हेलो फ्रेंड्स, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से एक नया नोटिस आया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें फोर रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस एनटीपीसी ग्रेजुएट और साथ साथ अंडर ग्रेजुएट पोस्ट को लेकर के है। और इसमें जो है सीबीटी वन को लेकर के कहा गया है, व्यूइंग ऑफ क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्स एंड कीज एंड रेजिंग ऑफ ऑब्जेक्शन इफ एनी टू क्वेश्चन ऑप्शन की। मतलब इसमें से जो है क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं आप, साथ साथ उसमें क्या रिस्पॉन्स मारे हैं ये भी आप लोग देख सकते हैं, उसके लिए जो की दिया हुआ है ये भी, और साथ साथ अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। यह नोटिस आ गया है एक, तो यह एक बहुत बड़ी अपडेट है रेलवे बोर्ड की ओर से। तो आप लोगों को यह बहुत अच्छी तरीके से जानकर को ध्यान रखना है कि यह क्या कह रहा है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या क्या कह रहा है। तो जो सबसे पहले कह रहा है कि द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑफ एनटीपीसी पोस्ट के लिए जो हुआ था वह 28/12/2020 से लेकर के 31/7/2021 तक हुआ था। और इसमें जो है इन ऑर्डर टू इनेबल कैंडिडेट्स हु अपीयर इन सीबीटी वन, तो सीबीटी वन में जो भी एग्जाम दिए हैं वे अपना क्वेश्चंस पेपर रिस्पॉन्स और आंसर की को देख सकते हैं। और एक लिंक भी आपको वेबसाइट में मिल जाएगा जो कि एक्टिवेट हो जाएगा 16/8/2021 को 8 बजे से लेकर के 23/8/2021 तक रहेगा। तो ये आपको बहुत बड़ी नोटिस है, अपडेट है कि यह जो है आप अपना आंसर की और साथ ही साथ में जो लिंक दिया रहेगा उसको आप लोग 16/8 यानी कि 16 अगस्त से देख सकते हैं 23 अगस्त के बीच तक में। तो यह एक बहुत बड़ी अपडेट है। इसके अलावा मैं यहाँ पे जो कह रहा है उसको फिर से देखते हैं। तो आफ्टर व्यूइंग द डिटेल्स ऑफ एबव ऑब्जेक्शन इफ एनी रिगार्डिंग द क्वेश्चन ऑप्शन एंड कीज पब्लिश कैन बी रेज्ड बाय द कैंडिडेट्स फॉर व्हिच टाइम शेड्यूल फी प्रोसीडर एंड इज गिवन बिलो। तो जो भी कहने के लिए कह रहा है यहाँ पर करने के लिए वह यहाँ पर दिया हुआ है, टाइम शेड्यूल दिया हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप लोगों को व्यूइंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्स की देखना है, आप अपना क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्स की देखना है, तो उसके लिए आप लोग 16 तारीख यानी कि 16 अगस्त से देख सकते हैं 20 बजे, मतलब 8 बजे से आगे देख सकते हैं। साथ साथ अगर आपको यहाँ पर रेजिंग ऑफ ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द क्वेश्चन ऑप्शन एंड की एंड ऑनलाइन फी पेमेंट, तो इसमें अगर आप लोगों को जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन चेक करना है, उसमें आपको कोई ऑब्जेक्शन डालना है, तो उसके लिए आप लोग 18 अगस्त से जो है 20 मतलब कि 8 बजे के बाद आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो डेट है वह दोनों इंपॉर्टेंट डेट है। साथ ही साथ में यहाँ पे जो है क्लोजिंग ऑफ द व्यूइंग ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्शन राइजिंग एंड पेमेंट विंडो, तो यहाँ पे जो है कि डेट है जिस डेट को यह क्वेश्चन पेपर दिखना बंद हो जाएगा, ऑब्जेक्शन की और पेमेंट विंडो भी बंद हो जाएगा। तो वह डेट है कितना तारीख, तो वह डेट है आपका 23/8 यानी कि 23 अगस्त तक रात के 12 बजे तक आप लोग देख सकते हैं, यह इतना बजे तक क्लोज हो जाएगा। तो ये जो तीनों डेट हैं ये आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये जानकारी को ध्यान रखेंगे अच्छी तरीके से। इसके अलावा मैं जो कह रहा है फी को लेकर के कह रहा है, तो जो फी है वह है कि रेस्ड ऑब्जेक्शन इज RS 50 प्लस अप्लीकेबल बैंक सर्विसेज चार्ज पर क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 50 रुपये चार्ज किए जाएंगे। और इन केस ऑफ ऑब्जेक्शन रेजिस्ट इज फाउंड द करेक्ट, अगर उसमें से ऑब्जेक्शन करने के बाद वो अगर सही पाया जाता है तो वो जो है फी आपको रिफंड कर दिया जाएगा। ये भी इस नोटिस में कहा गया है, अगर आपका जो ऑब्जेक्शन है वह सही हो जाता है तो। और आप लोग जिस बैंक अकाउंट से यह पेमेंट किए हैं उसी बैंक अकाउंट में आप लोगों को यह पैसा रिफंड भी कर दिया जाएगा। तो यह फी को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट है, नोटिस है। तो आप लोग पर क्वेश्चन के हिसाब से 50 रुपये आप लोगों को लगेंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई क्वेश्चन आपका गलत है या उसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा में जो है यहाँ पे है पेमेंट के लिए आप लोग डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं, रुपे कार्ड भी यूज कर सकते हैं, SBI वीजा मास्टर कार्ड भी यूज कर सकते हैं। वीजा मास्टर कार्ड इसको लेकिन यूज आप नहीं कर सकते हैं, या SBI वीजा मास्टर डेबिट कार्ड को अलाउ है लेकिन वीजा मास्टर डेबिट कार्ड नॉट अलाउड है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। केवल इसमें SBI के ही कार्ड से होगा, अदर बैंक का जो होगा वीजा या मास्टर कार्ड उससे नहीं होगा। ये भी आपको बहुत बड़ी अपडेट है। साथ ही साथ में यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रोसीड्यूर ऑफ रेजिंग ऑब्जेक्शन, इसमें क्या कहता है, डिटेल्ड प्रोसीड्यूर विद नेसेसरी गाइडलाइन विल बी अवेलेबल इन द लिंक प्रोवाइडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRB। तो इसमें जो भी प्रोसीड्यूर दिया जाएगा वह आप लोगों को लिंक के थ्रू से मिल जाएगा। तो यह एक अपडेट है। साथ ही साथ कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू राइज ऑब्जेक्शन इफ एनी वेल बिफोर द फाइनल डेट, जो फाइनल डेट है 23/8/2021 यानी 23 अगस्त 2021 तक, उससे पहले ही आप लोगों को सारा कुछ कर लेना है। इसके बाद में अगर आप कुछ भी करते हैं तो वो इंटर नहीं होगा, ये भी आप लोगों को यहाँ पे अपडेट में कहा जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी नोटिस है, आप लोग अपना आंसर की या फिर ऑब्जेक्शन की जो भी है वो देख सकते हैं, उसके बाद में सारा चीज़ को आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो उसके बाद अगला है, जब डिसीजन ऑफ RRB ऑफ द ऑब्जेक्शन रजिस्टर सेल बी फाइनल एंड बाइंडिंग, नो फर्दर कॉरस्पॉन्डेंस सेल बी इंटरेड फ्रॉम द कैंडिडेट्स इन द मैटर। तो इसमें जो है यह फाइनल चीज़ के बारे में कहा जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी नोटिस है, बहुत बड़ी अपडेट है, आप लोगों को ये देख लेना है। यह आज ही आया, देखिए चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के लिए, और यह है 13/8/2021 यानी कि 13 अगस्त का यह अपडेट है। तो यह
अपडेट आप लोगों को जानना है। साथ साथ इसमें जो सबसे बड़ी बात है वह है इस डेट्स को लेकर, तो 16/8 से लेकर के आप लोग देख सकते हैं 23/8 के बीच में अपना सारा चीज़ को। तो यह आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको इस के बारे में पता चल जाए। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो है 50 रुपये पर क्वेश्चन लिए जाएंगे, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है।